हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ द कंटिन्यूशन वीडियो ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर सो लेट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्स बी आर एल विच मीन्स दैट इज द एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज अगर आप आगे कुछ भी कोई भी कहते हैं प्रोफेशन कोर्स करोगे सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू दैट इज आर गोइंग फॉर ऑडिटिंग और एनी लाइक अकाउंटिंग डेटा एंट्री राइट बिकॉज इट बेसिकली ये लैंग्वेज क्या होता है दैट इज समथिंग दैट इज हेल्पफुल इन दी कम्युनिकेटिंग राइट तो यहाँ पर क्या है दैट इज दी कम्युनिकेट बिटवीन कंपनीज सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सचेंज दे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन राइट दैट इज ऑल अबाउट दैट इज दी आर एल दैट इज एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज देखिए क्या होता है इट इज द

प्लेटफॉर्म सो देट एवरी कंपनी कैन कम्स टूगैदर एंड दे कैन एक्सचेंज द फाइनेंशियल परमिशन इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे राइट सो यहाँ पर क्या होता है दैट मीन्स अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डील करनी है राइट लाइक सपोज कोई इंडियन कंपनी है एंड सपोज कोई चाइनीज कंपनी है राइट एंड एवरी कंट्रीज है राइट सो यहाँ पर क्या होता है एक बट एक अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है सो so, एक प्रॉपर स्टेड हो तो होना चाहिए ना ताकि इजिली समझ पाए एंड में भी ले सकें राइट जैस वाई एक प्रॉपर एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है सो दैट एवरी कंपनी कैन डील विद ईच अदर राइट सो वाई इट इज बेस्ट दैट मींस दिस एक्स वी आर एल इज बेसिकली टॉप मोस्ट टूल दैट इज टू कम्युनिकेट विद द कंपनीज क्यों इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ कंटेक्स For the financial information such as unit of measures, currencies, dates, and other related data. This allows for more efficient and accurate analysis of financial information. The key is the XBRLI, that is the most highlighted or you can say the topmost tool uh, to so that every company can deal with each other, they can exchange their uh, financial information, they can uh, take their decisions uh, like whether we should go for this company or not. राइट शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट राइट तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली इट वेरियस एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन राइट जैसे कोई एप्लीकेशन है उसमें काफी सारे टूल्स होते हैं सो दैट यू कैन ईजिली गेट ऑल दी सर्विसेज राइट यहाँ पर क्या होता है आप जैसे आप करेंसीज का ऑप्शन देख सकते हो डेट्स का ऑप्शन देख सकते हो कोई भी एक रिलेवेंट डेटा सो दैट एवरी कंपनी कैन ईजिली डील विद इट दैन दिस स्टैंडर्ड इज यूज टू रिपोर्ट फाइनेंशियल डेटा टू वेरियस रेगुलेटर्स and is also used by the companies to exchange financial information right matlab so kya uh, government can also look after look after this uh, particular uh, uh, language right because if the company if the government want to deal with any government companies so that they can also know about the what is the company's financial financial position right then it is an important tool for improving financial reporting and increasing transparency and helps to streamline the process of data validation ऑब्वियसली लाइक देखिए कोई भी डेटा जैसे आपने एलेवेंथ में पढ़ा होता है अकाउंटिंग में कोई डेटा आप रिकॉर्ड करते हो तो कहाँ से रिकॉर्ड करते हो फ्रॉम दी वाउचर एंड देन एक जर्नल को आप एंट्री करते हो राइट बट क्या सारी कंट्रीज ऐसे करती हैं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक यही प्लेटफॉर्म है यही यही तरीका है ऐसा तो है नहीं ना भाई सबके नॉर्म्स अलग होते हैं सबके टर्म्स अलग होते हैं सबके नेचर अलग, है, अलग होता है राइट right? सो so, वो एक प्रोपर स्टैंडर्ड फॉलो एक सारी कंपनी एक स्टैंडर्ड फॉलो करें तब वो डेटा समझ आता है कि कंपनी में इतने एसेट्स हैं कंपनी इतनी लाइविटीज हैं कंपनी के, है, के फाइनेंशियल परमिशन है राइट तो वो कहाँ फलते हैं uh, कहते हैं प्लेटफॉर्म पे सो नाउ लेट्स डिफाइन ऑल दिस टर्म दैट इज एक्स बी आर एल एक्स मीन्स दैट इज इट इज एडिटेबल एंड लैंग्वेज दैट कैन बी कस्टमाइज एंड एक्सटेंडेड

That can be read and processed by the machine. This is all about that is the XBRL. Now, what are the features? First, uh, first one, there is the verify data, consistent document with the consistent with the consistency. That means the uh, the business uh, rule rule validation. That means, data ko rely kar that means when the data is purely validated. Then second one is the clear definition. That means the देट मीन्स बिकॉज देखिए एक कंपनी के और दूसरी कंपनी के देखिए टर्म्स अलग होते हैं हर कंपनी के अलग होते हैं हर कंट्री के भी अलग होते हैं किसने इसका बोला किसने उसका सेट बोला कोई बोलता नहीं है हमारे लिए फिक्स असेट है कोई बोलता नहीं हमारे लिए ये तो हमारे लिए करंट असेट है राइट right? तो एक एक कॉमन uh, आपका तो होना चाहिए ना राइट सो एक्स बी आर एल दैट इज बेसिकली प्रोवाइड ऑल द इनफॉर्मेशन सो दैट टू क्लियर ऑल देशन देन स्ट्रॉग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दैट मींस टू

जैसा आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जैसे बैलेंस शीट में आप देखते हो कि बैलेंस शीट में सिर्फ सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है दैट दैट इज इज गैप जो जो फॉलो करता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं देखिए जो नोट्स टू अकाउंट बेसिकली प्रोवाइड करता है एक आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट एवरी स्टेक होल्डर्स कैन नो द इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म राइट So, that they can recognize all the financial statements like how many assets they have, which type of assets they have, how many creditors, um, what, kind, what kind of creditor they have, like whether the short term loan they have taken, whether the long term loan they have taken. So, on the notes to account? So, it provides narrative descriptions of the items recognized in the financial statements and information about that do not qualify for recognition of in those statements the notes to account are, are essential to understand fully the items to which the notes to account relate the notes to account are integral part of the company's external financial statements since not all relevant financial information can be communicated through the amounts shown on the face of the balance sheet or the financial statements and the quote is there, that means if the income statement balance sheet and uh, cash flow

राइट बट दी फाइनेंशियल टेकन शॉर्ट टर्म लोन ऑन द लॉन्ग टर्म लोन तो फाइनेंशियल कोर्स ये पता लगा कंपनी के पास डिवेंचर है तो लॉन्ग टर्म वाले ज्यादा हैं कि शॉर्ट टर्म वाले हैं अगर मान लीजिए किसको पता लगाना है कि ये कंपनी की जो क्रेडिविटी है या नहीं है कि कंपनी जो टाइमली पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो अगर मान लीजिए कंपनी ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है शॉर्ट टर्म लोन लगे दैट मीन्स कंपनी के पास कंपनी जो इजिली सारे पेमेंट जो कर देती देन इन्वेंट्रीज आपको पता है देखिए स्टॉक देखिए मेरे लिए तीन टाइप के होते हैं जैसे आपके होते है, रो हैं रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स राइट तो इन्वेंट्रीज में ये सब इंकल होता है तो आपको नोट्स अकाउंट में देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास सारे कह रहे स्टॉक जो क्या है क्या फिनिश्ड हैं या फिर कुछ वर्किंग प्रोग्रेस भी है या कुछ रॉ मटेरियल भी है तो वो वही दिखना होगा देन सेकंड वन वी है आपको पता है कंपनी जो है प्रूडेंस अप्रोच फॉलो करती है दैट मीनस कंपनी जो है आने वाले लॉसेज को पहले से रिकॉर्ड करती है तो कंपनी क्या कहती है उसके सारे प्रोविजन को रि रिकॉर्ड करती थी जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेफल डेट बट अगर मान लीजिए आपको सिर्फ लिख दिया प्रोविज़न तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोविजन है तो उसके लिए आपको नोट्स काम में देखना पड़ेगा देन इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर मान लीजिए आपको किसी कंपनी में देखना है कि कंपनी जो है अपने इम्प्लॉय पर कितना कितना जो है एक्सपेंस खर्च कर रही है राइट अगर मान लीजिए आपको आप किसी कंपनी में जॉब के लिए दिख रहे हो तो देखिए ये आपके लिए ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप पहले उस कंपनी से देख रहे हो कि कंपनी अपने एम्प्लॉज पे कितना खर्च कर रही है कंपनी का मुनाफा बहुत हो रहा है लेकिन कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दे रही कंपनी एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट नहीं दे रही तब तो कहाँ देख सकते हो अंडर द हेड बेनिफिट एक्सपेंसेस देन टैक्स एक्सपेंसेस टैक्स एक्सपेंस आपके जैसे इनकम टैक्स हो गया कॉर्पोरेट टैक्स हो गया अच्छा जैसे कंपनी के कंपनी के और भी दो टाइप्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डेफिट टैक्स लायबिलिटी राइट डेफिट टैक्स एसेट्स भी होते हैं राइट तो वो भी आप अंडर टैक्सेस में देख सकते हो कि कंपनी की टैक्स लायबिलिटी है तो कौन कौन सी है देन नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड एक्स शेयर बेस्ड पेमेंट जैसे ऊपर लिखा है शेयर होल्डर्स फंड उसमें इक्विटी विथ है तो इक्विटी का पार्ट कितना है प्रेफरेंस का कितना है अच्छा वेदर ऑल दी इक्विटी शेयर देयर बेस्ड पेमेंट राइट एंड दास्ट वन वी है तो सेल की सेल बढ़ने की रीजन क्या है क्या कंपनी की सेल जो है बिजनेस रिलेटेड है या फिर नॉन बिजनेस रिलेटेड है राइट तो वो सब देखोगे So these are the examples of notes to count Now next topic we have the is called that is called triple bottom line reporting. This important concept of the class. What is all about triple benefit line reporting? So it refers to providing information on the economic, environmental, and social dimensions of the activities carried on by an organization. Deekhi, jo aapka triple bottom line reporting hota hai, ये होता क्या है मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी की अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे एनुअल रिपोर्ट भी देखोगे डायरेक्टर रिपोर्ट भी देखोगे सब कुछ देखोगे राइट आपको पता कैसा चला कि कंपनी जो है कंपनी का मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आ रहा है कहाँ से आ रहा है वेदर ऑल दिज कंपनी जो है इकोनॉमिक को मतलब अच्छा मतलब ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही इकोनॉमिकली कंपनी जो है क्या इन्वामेंटल को हार्म कर रही है या फिर अच्छा अपना जो कंट्रीब्यूट कर रही है कंपनी जो है सोशली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है

रही है अच्छा, अच्छा ग्रोथ भी कर रही है, जो है, को ग्रीन रख रही है तो इससे क्या एडवांटेज होगा बढ़ेगी

इट बेसिकली हेल्प्स इन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग ऑब्वियसली जब कंपनी जो है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी सब कुछ करेगी भाई सब कुछ पब्लिक के फेवर में कर रही है तो कंपनी जो है कॉस्ट की कॉस्ट सेविंग ऐसे नहीं की कंपनी क्या करेगी जो कंपनी रिटेन करेगी तो ऐसे इम्प्लॉयज कर रही जो काफी अच्छे एम्प्लॉयज हैं लॉन्ग टर्म के लिए इट ऐसे नहीं कि कंपनी के पास कहीं भी लॉस हो गया तो कंपनी सारे 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 एम्प्लॉयज को आउट कर दिया फायदा कर दिया ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है then it also helps in increase scope of innovations and it creates a sound basis of stakeholders dialogue right so these are the advantages now tbrl jo reporting hoti hai usko kis tarah banta hai economically socially environmental kaise banta hai economically dikhaya hota that means the them uh, reporting must follow the gap that is the generally accepted accounting principle. they must also take care of, of the employees as well as the कस्टमर्स राइट इकोनॉमिकली मीन्स दैट इज दी आपको मैं तो पी पी बी मॉडल इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट तो प्रॉफिट सबको होना चाहिए कंपनी को हो रहा है सो मस्ट यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कस्टमर को नुकसान हो रहा है मीन्स कंपनी जो है सब अपने प्रोडक्ट को बेच रही है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हार्म कर रहा है या फिर प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल नहीं है खराब है तो कंपनी की कस्टमर्स की नीड्स को भी देखना होगा एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयज ऐसे नहीं कंपनी सारा जगह मुनाफा अपने आप पर कमा रही है इंप्लॉयज़ को दे नहीं रही ऐसा भी नहीं होना चाहिए ट इज कोल्ड सोशल दैट मीन्स कंपनी को कहते हैं प्रॉफिट नहीं पब्लिक के भी देखना चाहिए कि करप्शन ना हो बराबरी कहते हैं बराबरी के अगेंस्ट हो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन ना के बराबर हो चाइल्ड लेबर ना हो यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी देख रही है कि इंप्लॉइज तो हायर नहीं कर रहे ताकि जो है कंपनी ने पे पे, पे, पे पे करना पड़े तो चलो तो तो चाइल्ड को ये जो है लेबर प्ले हो ऐसा नहीं होना चाहिए

टरी रिपोर्टिंग पहले होता है पहले समझते हैं दैट इज अगर मान लीजिए एक कंपनी है कंपनी बेसिकली एंगेज विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे आईटीसी अल अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है फूड के अलग टोबैको अलग ठीक है काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी कंपनी क्या करती है अपने सेगमेंटिक रिपोर्ट बनाती है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग रिपोर्ट बनेगी ऐसा नहीं कि आई है तो आई टी अपने एक जो है कॉमन एक प्रॉफिट लेके जाएगी नहीं कंपनी को बताना पड़ेगा कि किस कंपनी में कितना कितना मुनाफा हुआ है

Uh, of all different products, services एन अदर जो एरिया इन विच इट ऑपरेट जैसे देखिए प्रोडक्ट की बात करें देखो कंपनी के पास जैसे डेट और इक्विटी ये दो अलग प्रोडक्ट हो गए तो कंपनी को तो फिर सेगमेंटरी से से दे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी बताना कंपनी जो है अगर जैसे आपके एक्सपायटी रिटर्न होती है इक्विटी को मिलता मिलना चाहिए डिविडेंड रिटर्न भी मिलना चाहिए और डिवेंचर को इंटरेस्ट राइट तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि कंपनी के डिवेंचर कितने हैं शॉर्ट टर्म कितने हैं लॉन्ग टर्म कितने हैं कंपनी उनको कितना कितना इंटरेस्ट पे कर रही है

जैसे तीन प्रोडक्ट हैं एक कम एक अगर लीजिए कंपनी ओवरऑल एक ही रिपोर्ट बनाएगी तो पता कैसे चलेगा कंपनी को खुद को भी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफे में चल रहा है, है कौन सा प्रोडक्ट में जो की है is, is, of of one, is, seen, whole, right? मैंने आपका जो कुछ टॉपिक जैसे एवं ज़्यादा मैंने यहाँ पर एड ऑन नहीं किया बट आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है काफ़ी मटेरियल ले सकते हो वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं इसलिए मैंने आपको जो है इतना ब्रीफली नहीं कराया मैंने आपको बस एक ओवरऑल बता दिया वट इज़ ऑल अबाउट ए सेवेंटीन बाकी आप जो है बुक से भी आप फॉलो कर सकते हो राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट दैट इज़ दी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू